फिल्म निर्देशक और निर्माता करण जौहर ने सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर कहा कि वे जो हैं, उस पर उन्हें गर्व है। साहित्य आज तक के तीसरे सत्र में शामिल करण जौहर ने शनिवार को कहा, मैं जो हूं उस पर मुंगो गर्व है। मुंगो इस बारे में जो कुछ कहना था वो मैंने अपनी किताब इन अनसूटेबल बॉय में कह दिया था। इसमें जो लिखा वो सच है। कई लोगों का कहना है कि मैं इसमें पूरा क्यों नहीं लिखा, लेकिन यह मेरा अधिकार है कि मैं क्या लिखूं। इसे लेकर मेरी काफी ट्रोलिंग भी हुई। बॉलीवुड में अपनी दोस्ती और रिश्तों में कड़वाहट पर करण ने कहा, उनका करीना से विवाद रहा, एक साल तक दोनों में बात नहीं हुई। जब मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं थी तब करीना ने मुंगो फोन किया। बाद में हमें महसूस हुआ कि ये कितना बचपना था। वो मुझसे 10 साल छोटी है। वहीं काजोल से विवाद पर उन्होंने कहा, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। हमारे बीच विवाद हुआ पर अब वो पास्ट है। हमारी बॉन्डिंग अलग तरह की है। फिल्म निर्माता ने कहा, शाहरुख और आदित्य चोपड़ा की वजह से मैं निर्देशक बना। जब मैंने शाहरुख के साथ काम करना शुरू किया तब वे स्टार बन चुके थे। हर रिश्ते की तरह हमारे रिश्ते में भी उतार चढ़ाव रहा। काम और पर्सनल रिश्ते अलग अलग हैं। हमारे बीच बॉन्डिंग हमेशा रहेगी। एक भी दिन के लिए हमारे रिश्ते में कभी कड़वाहट नहीं आई। एलीट क्लास पर आधारित फिल्में बनाने को लेकर करण ने कहा, मैंने कई बार गैर पारंपरिक तरीके की फिल्में भी बनानी चाहिए, लेकिन मुझे इसका क्रेडिट नहीं मिला। मैंने मेन इमेजान बनाई, बॉम्बे टॉकीज में एक फिल्म की, लेकिन उसकी बात नहीं हुई। यदि मेरा नाम करण कश्यप होता तो मुंगो और क्रेडिट मिल जाता। फिल्म निर्देशक निर्माता संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती पर जारी विवाद पर उन्होंने कहा कि फिल्म को शांति से रिलीज होने देना चाहिए।